गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट के अंदर हम आज हम 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन में जो वीडियो बड़ा हो जाता है इसके कारण मैं आपको क्वेश्चन वन या टू क्वेश्चन ही सोल्व करवा पाता हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड को सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, यानी जो नीचे दिए गए नेम है उनके अकॉर्डिंग आपको पता नहीं कि कितनी डायगोनल्स इनके अंदर होगी। तो सबसे पहले दिया गया एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड का आपको एक शेप बनानी है। ये शेप हो गई, कुछ भी नेम दे सकते हैं इसमें, जैसे ए बी सी एंड डी। डायगोनल्स बनानी है। डायगोनल्स क्या होता है? वन वर्टिक्स टू, जैसे इसके सामने वाला जो भी वर्टिक्स है उसे क्या करना है, मैच करना है। ये यहीं से हो सकता है, इधर और इधर ये मैच नहीं होगा। तो इसमें कितनी डायगोनल्स बनी है आपकी? टू। फोर नहीं है कि आप इधर से भी काउंट कर लो, इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी काउंट नहीं करना है। ए और जो सी है वो वन है, डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी। टू डायगोनल्स, नेक्स्ट बोला गया आपको ए रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितनी साइड होती है? सिक्स साइड होती है। रेगुलर इसका मतलब ऑल साइड क्या है इसकी इक्वल होगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गई। अब आपको इसमें डायगोनल्स बनानी है। ये हो गई, यहां से ये वाला, ये वाला, यानी इसे जो लाइन चल रही है उसका तो वर्टिकल, क्योंकि यहां से तो कोई आएगी नहीं, इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो डायगोनल्स कौन सी होगी? इसके अलावा जो भी है, यानी थ्री डायगोनल्स हो गई वन के ऊपर। नेम डाल देते हैं इसके ऊपर, ए बी या और कुछ नंबर डाल सकते हो इसके अंदर, पी क्यू आर एस टी यू। फिर यहां से ये वाला और ये वाला, यानी जो प्रत्येक जो यहाँ पे वर्टेक्स दिए गए, हर वर्टेक्स के ऊपर कितनी डायगोनल्स बनानी है आपको? थ्री। जो पहले से बना है ये हो गई इसमें थ्री, यहाँ पे टू हो गई, एक और बनानी है यहाँ से थ्री हो गई। यानी मैंने यहां तक पहुंचे नहीं, यहां से बनाते बनाते यहां तक बनाते ही ये दो जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। यानी एक के ऊपर कितनी आ रही है? थ्री डायगोनल्स आ रही है। तो टोटल कितनी है वो आपको काउंट करना है। किस प्रकार से काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, तो टोटल डायगोनल्स कितनी हो गई वो काउंट करेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ से पी से स्टार्ट करेंगे, पी से चली गई यहाँ पे यू तक, तो पी और यू, सॉरी क्यू और यू तो हो गया पहले से। चलो मैं राइट कर दूंगा यहाँ पे पी से, पी से कौन कौन सी बनेगी? पी और आर, पी और एस, पी और टी बन गई। नेक्स्ट क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू और एस, क्यू और टी, क्यू और यू। फिर इसके बाद में आर से स्टार्ट करेंगे, आर और पी, तो पी आर हमने पहले राइट किया। फिर इसके बाद में आर यू आर टी हो गया। इसमें बात करते हैं एस क्यू, तो ये रहा क्यू एस पहले से लिखा हुआ है, पी एस भी पहले से लिखा हुआ है, यू एस बच गए यहां पे, यू एस हो गया। अब बात करते हैं टी की, तो पी और टी मैंने यहां पे लिखा है, फिर टी और क्यू भी मैंने यहां पे लिख दिया, और टी और आर भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है।
फिर यू की बात करते हैं, यू और क्यू मैंने यहाँ लिखा है, यू और क्यू, यू और आर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आर यू, और यू और एस भी मैंने यहाँ पे लिखा है एस यू, तो कितनी हो गई टोटल 9। टोटल डायगोनल्स 9। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर आप कोई भी जो डायगोनल है वो नहीं बना सकते, तो यहाँ पर ऐड करना है नो डायगोनल्स, नो एनी डायगोनल, नॉट एनी डायगोनल्स या नो डायगोनल्स ऐड कर सकते हो। तो ये हो गए तीनों, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, ये वाला सेकंड वाला जो है बी वाला, जैसे पी देर का पीछे आपको एस सॉरी आर एस और टी तक आपको डायगोनल्स बनानी है, क्योंकि इस पे नहीं बनेगा क्योंकि ये तो लाइन पहले से खींची हुई है, यहाँ पे लाइन पहले से खींची हुई है, फिर इससे हम यहाँ से क्यू से बनाएंगे जो सामने तीनों दिख रहे हैं, फिर इसके सामने जो तीनों है, फिर इसके सामने ये वाले तीनों, इसके सामने ये तीनों वाले, यहाँ तक बनाते बनाते ये तीनों के अपने आप ही बन जाएगी। फिर इसके बाद में काउंटिंग करना, एक नंबर से कोई भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने पी लिया सबसे पहले, ऐसे आप क्यू ले सकते हो, पी लिया तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई डायगोनल्स नहीं बनाए मैंने, पी और आर लिखा मैंने, पी और एस लिखा है, पी और टी लिखा है मैंने यहाँ पे, ये हो गया। फिर इसके बाद में मैंने क्यू लेता हूँ, तो क्यू से मैंने लिखा है क्यू और एस, क्यू और टी, क्यू और यू। फिर इसके बाद में मैं थर्ड लूंगा, क्योंकि इससे ये वाले कोई भी एक डायगोनल्स नहीं है तो ये तो आएगा नहीं सेम, इसका अलग बनेगा, इसकी अलग बनेगी, तो थ्री इसमें हो गई, थ्री इसमें हो गई, सिक्स हो गई। अब बात करते हैं आर की, आर से मैंने बनाऊंगा पी, पी आर मैंने पहले से राइट किया था, ठीक है, पी आर मैंने पहले से राइट किया है, यहाँ से बनाया तब, तो वो नंबर नहीं आना चाहिए, यानी किसी नंबर के साथ में ये नंबर नहीं आना चाहिए वापिस, इसके साथ में ये नंबर वापिस नहीं आना चाहिए, तो पी आर हो गया तो ये नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद में यू एस, तो यू एस हम लिखेंगे यहाँ पे, ये रहा यू एस। फिर यहाँ पे टी आर, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे टी आर और यू आर, आर यू, यू आर, यू टी और ये हो गया, यू एस नहीं आएगा यहाँ से, यू एस तो ये सॉरी यहाँ पे लिखना आपको सबसे पहले यू पी सॉरी आर पी, तो ये तो मैंने पहले लिखा पी आर, फिर आर यू लिखना आपको, आर यू, फिर आपको आर टी लेना है, ये आर टी हो गया। फिर इसके बाद में ये नहीं आएगा तो ये पूरा होगा। फिर इसके पे चलते एस पे, एस से चलेंगे तो एस पे इसके साथ कौन सा हो गया, आर के साथ कौन सा आ गया, यू आ गया और टी आ गया और यू एस भी आ गया। अब एस की बात करेंगे तो सर एस के साथ कौन से, यू एस है, यू एस राइट किया, फिर पी एस, तो पी एस मैंने पहले लिखा है, एस क्यू, एस क्यू भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा एस क्यू या क्यू एस। फिर टी पे चलेंगे तो टी के सामने तीनों नंबर है, ये भी नंबर हो गया अपना, ये नंबर भी हो गया। अब टी है तो टी के सामने तीन नंबर है, पी क्यू आर, तो मैंने पहले से लिखा है यहाँ पे पी आर पी एस पी टी, तो टी इसके साथ आ गया, टी क्यू के साथ भी आ गया और टी आर के साथ भी आ गया, तीनों के साथ में आया हुआ है टी। अब यू, क्योंकि ये भी हो गया, सारे नंबर हो गए, ये किसके साथ आएगा क्योंकि सिंगल नंबर है, तो आगे कोई नंबर राइट नहीं होगा, तो इस प्रकार से आप इसकी डायगोनल्स फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा।